लगातार जोरदार ताली को टीना छोरी थैंक यू वेरी मच यस लगातार जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु सुनेर जान्छमा अब हामीसँग समय एकदमै कम छ र हामी छोटो समयका लागि मात्र यहाँ छौँ यस ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको तर्फबाट यो डमी चेक हस्तान्तरणको समय भएको छ शब्दों तक ही महदूद नहीं वहीं तक इसकी सीमा नहीं मैं ये सिद्ध कर चुका हूं कि आप लोग मेरे फर्स्ट लव रह चुके हैं है। मेरा पहला प्रेम नेपाली लड़की से हो गया और आगे मैं क्या कहूं बोलती बंद हो जाती बीवी के साथ और साथ में आप लोगों में तो और भी सोचना पड़ता है क्योंकि ये प्रेम जो है और साहस जो है पूरे वर्ल्ड में मुझे और तो कोई जगह ऐसी दिखाई नहीं देती कि जो नेपाल का मुकाबला करके दिखा सके दुनिया को म्यूजिक का जो पूरी दुनिया में कमाल है ये जो माध्यम है जिसकी वजह से हम ये परिवार ये फैमिली पूरी दुनिया में लेकर चलते हैं इसकी मुझ पर ऐसी सदैव कृपा रही है मैं उस कृपा के लिए पहले प्रणाम करता हूँ मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी के मेरी जिंदगी में ये दो चीजें जो है ऐसी हुई हैं कि मैं किसी भी शब्द में उसका मैं कैसे धन्यवाद कहूं ये मेरे लिए प्रश्न हो जाता है। एक तो ईश्वर ने जो मुझे माता प्रदान की मुझे साक्षात भगवान मिल गया ऐसी माता मुझे मिली और एक आप लोगों की जो छोरी मिली मुझे प्रणाम करता हूं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी क्षमा चाहता हूं कि मैं प्रेम में भाव विभोर हो गया और ऐसे ही शुरू हो गया ऐसा नहीं होता तो मैं पढ़ता भी नहीं प्यार की भाषा जो है वो समझने वाले अच्छे से समझते हैं कहीं गुस्ताखी कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कर देते हैं। मैं जिस वक्त फिल्म लाइन में आया आप कह रहे थे कि 40 एक्चुअली ऊपर वाले ने मुझ पर ऐसा कर्म किया कि मैं फिल्म लाइन में गया नहीं था ऊपर वाले ने मुझे हाथ में फिल्म लाइन दी थी मैंने 75 फिल्म साइन की थी और उस 75 फिल्म में से आदरणीय दिलीप साहब जी ने मुझसे कहा कि गोविंद इसमें से 25 फिल्में छोड़ो तो मैं कहा अच्छा आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूं परंतु मैंने तो पैसे ले लिए बोले उन्हें लौटा दो तो मैंने लौटा दिए मुझ पर सदैव मेरे सीनियर्स की कृपा रही माँ बाप का आशीर्वाद रहा सुनीता का साथ रहा लोग कहते हैं कि आपकी हंसी और मुस्कुराहट का ये क्या राज है कि ये सदैव ऐसी सदा बाहर रहा करती है
तो बच्चे लोग जिस वक्त मुस्कुराते हैं ना, तो नोबडी कम्स है, उसको कोई जोक नहीं सुनाता है, उसकी हंसी निकल पड़ती है। जो हंसी निकल पड़ती है वो दैवी होती है, वो किसी ना किसी देवी का हाथ सर पे होता है। जो पूरे चाइल्डहुड में हंसी अच्छी निकलती है वो माता माता ही वो सर्वत्र मात्र देव भव होता है, और जवानी में निकल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी जो है वो दैवत रूप में आपके साथ है। मेरा ये सोचना है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं, और क्या उनकी भाषा हो, उनकी सोच होती है, और क्या भाषा होती है, और क्या लिखाई होती है, और क्या अंडरस्टैंडिंग होती है सिनेमा की। परंतु मैं उन सभी लोगों का बहुत आदर करता हूँ जो बहुत ही सहज सरल दिल से प्रार्थना करते हैं, काम किया करते हैं, क्रियाएं किया करते हैं, और बिना सोच के धमाल काम करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी इतनी आस्था होती है प्रेम में, सच्चाई में, कि ख्याल ही नहीं रहता कि क्या स्टेप्स कब निकल गई, क्या काम कब हो गया, और उसमें कभी भी तकलीफ भी नहीं आती है, क्योंकि जो हम लोगों की कला क्रिया के जो पुष्कराज होते हैं वो यज्ञ वही स्वीकार करते हैं जिसमें हर व्यक्ति के लिए वो कहीं से गलत ना हो जाए, खासतौर पे जो मासूम हो और भोला हो। तो जो पढ़े लिखे हैं मैं उन्हें भी समझाता हूं कि मासूमों का बहुत बुरी तरह से या गलत तरीके से मजाक मत किया करिए, क्या पता गोविंदा निकल आए। क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, ईश्वर ने सब अपने हाथ में रखा हुआ है। ये जो पूर्ण परिवार है हम लोगों का, यहां से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दैवी कृपा से भरा हुआ है, और ये सदैव रहा करे। तभी तो कुछ जैसे लोग जो है वो फिल्म लाइन में आ जाते हैं, और ऐसा कामयाब सफर देखा है मैंने। 86 में मैं आया, लव 86, झूठा इल्जाम, 87 मरते दम तक सिंदूर, खुदगर्ज, 88 दरियादिल, 89 इस आशीर्वाद का हम मोल लगा ही नहीं सकते किसी भी हाल में। मेरा यह सोचना है कि मुझे जो मिला, या तो माँ बाप की कृपा से आशीर्वाद से मिला, या मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला, और साथ साथ में क्योंकि सुनीता साथ में रही तो ससुराल की कृपा रही मुझ पर, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो 29-30 वर्ष का ये कामयाब समय देखा है, और यकीन मानिए जिस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि गोविंदा फिल्म लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है, या शायद उसे माता मंच प्रदान नहीं कर रही है, या उसे काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उस समय भी कम से कम दर्जनों पिक्चरें मैंने रिफ्यूज की। उसका ये वजह नहीं है कि मुझ में घमंड आ गया, या मैं ये सोचने लगा कि मेरी समझ या धरपकड़ या पढ़ाई लिखाई उस हद में जा पहुंची, परंतु ऐसी मात्र कृपा रही, और मम्मी ने ऐसी सी चीजें कह दी मुझे जिंदगी में, समझा दी कि मैं सदैव जो है शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, ऊपर वाले ने जो दिया है उसका धन्यवाद देता हूँ, आज फिर जो मुझे आप लोगों से प्रेम मिला है उसका धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को तो पता है कि ये केवल अल्फाजों तक ये महदूद नहीं है, ये जीवन में है और सदैव रहा करेगा। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो निसंकोच आप लोग आदेश कीजिए, मैं सदैव आप लोग के सेवा में आप लोगों के साथ हूँ। आज मैं पॉलिटिक्स से जिस वक्त से बाहर आया हूँ मैं स्पीच नहीं देता हूँ, आज बहुत दिन बाद मौका मिला है ससुराल में तो खड़ास निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा घर परिवार नजर आता है हर जगह। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय वरुण चौधरी जी का, क्योंकि ये वो कड़ी है जो जमीन पे जो जनता जनार्दन हम पे कृपा करते हैं वो, और चांद जिसे कबूल करता है वो सितारे, उन लोगों के बीच की ये वो कड़ी है जो साथ मिलाप करवा देते हैं उनका।
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी और बहुत सी कड़ियां आगे निकल के आए और कलाकारों को ऐसे नए नए माध्यमों के साथ तौर तरीकों से अच्छे अच्छे चित्रपट के माध्यम से ऐसे महान कलाकार निकाले कि हम लोग बहुत ही प्रेम से ये कह सके कि हाँ ये हम लोगों के शहर से है या हम लोगों के देश से है, ये यहाँ से निकला है और आज पूरे वर्ल्ड ने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। माता माता इव सर्वत्र मातृ देव भव विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद् भद्रं तन्नासव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुपे वंदनां उत्तीर्णोक्षयमामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्रहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। क्षमा प्रार्थी हूँ कहीं नाम लेने में कहीं किसी की त्रुटि रह गई हो। जो पत्रकार वर्ग है बहुत जरूरी है धन्यवाद दे मैं चाइल्डहुड से इनकी चमचागिरी करता आ रहा हूँ। इस वक्त जो बहुत गरीबी से निकले हुए आर्टिस्ट होते हैं उसे हर आदमी जो है भगवान जैसा नजर आता है। शुरुआत तो ऐसे ही चरणों से करता है आदमी, आस्ते आस्ते जो है चरणों से निकलते हुए नमस्ते हाय हाउ आर यू हाय व्हाट्सअप। तो परंतु धन्यवाद है आप लोगों का बहुत बहुत, क्योंकि इतने साल जो नाम रहा है और उसकी कृपा रही है आप लोगों की, थैंक यू सो मच। यहाँ जो आर्टिस्ट लोग आए हैं, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और किसी ने कहा आदरणीय साली जी आई हैं यहाँ पे, उन्हें भी बहुत प्रेम है। नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे शायद, परंतु मेरे साथ ऐसा होता है, मैं दुबई, लंदन, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी निकलूं तो कहीं से अगर जीजू की आवाज़ आ गई ना तो मैं समझ जाता हूँ कि ये व्यक्ति जो है नेपाल से आए हुए हैं और बहुत मुझे आदेश देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहते चाय पीनी पड़ेगी मेरे साथ चल के। अच्छा, वेरी गुड, आइए साथ पीते हैं। और किसी काम में हो वो कभी तो उससे पैसे नहीं लेते। हालांकि ये बहुत ही एक एक्सप्रेशन है निकला हुआ, परंतु ये टच करता है और वो आप लोगों की खासियत है, वो आंखों में नजर आता है क्या आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल, बहुत अच्छे लगे। उसमें से कुछ आर्टिस्ट जो है बहुत सुंदर है, कुछ आर्टिस्ट दिल के सुंदर है और कुछ आर्टिस्ट बुद्धि के सुंदर है। और यही प्रयोग जो है निरंतर आप लोग करते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में यहाँ से निकले। ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। लगातार जोरदार ताली।